इसराइल और हमास के बीच गाजा में छिड़ी जंग अब भयंकर रूप ले चुकी है। बीते साल 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित कई मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हुए थे, जो गाजा में हमास का समर्थन और फिलिस्तीनियों को लेकर हमलावर हैं। ये संगठन इसराइल पर बेहिसाब हमले कर हमास का बखूबी साथ दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है इराक का इस्लामिक प्रतिरोध, जिसने इजरायली सैन्य बलों का जीना मुहाल कर दिया है। इसराइल का आरोप है कि इराक के इस संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है, जो उसके हथियारों के दम पर इसराइल पर हमलावर है। इस बीच इराक के इस्लामिक प्रतिरोध संगठन ने फिर से इसराइल पर अपना कहर बरपाया है। प्रतिरोध ने अब कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली हाइफा बंदरगाह पर एक क्रूज मिसाइल दागी है। अरकब क्रूज मिसाइल को इराकी धरती से हाइफा बंदरगाह को टारगेट कर कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की ओर लॉन्च किया गया। प्रतिरोध ने खुलासा किया कि ये ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गाजा में इजरायली नरसंहार के जवाब में किए गए हैं। ये इराक में इस्लामिक प्रतिरोध की ओर से 3 ऑपरेशनों का दावा करने के बाद आया है, जिसमें से 2 कब्जे वाले फिलिस्तीन के भीतर इजरायली ठिकानों के खिलाफ थे। इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने अल अग्रब एडवांस क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर बियर अल साबे में IDF के ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, प्रतिरोध ने तेल अवीव के एक महत्वपूर्ण इलाके के साथ साथ डेड सी में एक टारगेट पर हमला करने का बड़ा दावा किया है। प्रतिरोध ने बियर अल साबे में अब्राहम खुफिया मुख्यालय और तेल अवीव में मोसाद के गिलोट खुफिया केंद्र को निशाना बनाया है, जो केरिया से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, जहां नेतन्याहू सरकार अपनी वॉर कैबिनेट की बैठक करती है। अल नुजाबा इराकी प्रतिरोध के सदस्य मोहम्मद अल मुसावी ने कहा कि तेल अवीव पर मिसाइल हमला एक बार फिर साबित करता है कि इराकी प्रतिरोध की धुरी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। हमले गाजा में हमारे लोगों को एक संदेश भेजते हैं कि वे मैदान में अकेले नहीं हैं। ये हमले अमेरिका के लिए भी एक संदेश देते हैं कि प्रतिरोध चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते यमन के हूती ने इराक में इस्लामिक प्रतिरोध के साथ 2 जॉइंट ऑपरेशन चलाने का खुलासा किया था। ये पहली बार था जब प्रतिरोध की धुरी के 2 गुटों ने खुले तौर पर इजरायली बलों को निशाना बनाकर हमले किए थे। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने बताया कि पहले ऑपरेशन में हाइफा के बंदरगाह पर सैन्य उपकरण ले जाने वाले 2 जहाजों को निशाना बनाया गया। दूसरे ऑपरेशन में एक जहाज को निशाना बनाया गया, जिसने कब्जे वाले फिलिस्तीन में हाइफा के बंदरगाह में प्रवेश प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। हाइफा ऑपरेशन रफा इलाके में इजरायल के नरसंहार के जवाब में आया है। इजरायल को आने वाले दिनों में और ज्यादा ज्वाइंट ऑपरेशन की उम्मीद करनी चाहिए। आपको बता दें कि इराक का मिलिशिया ग्रुप इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से कब्जे वाले इलाकों में मौजूदा इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ कई अभियान चला रहा है।